बेटा जी, अगर आप बात समझो प्राइवेट कंपनी क्या होती है और कौन से सेक्शन में डिफाइन होती है, तो प्राइवेट कंपनी डिफाइन होती है सेक्शन नंबर 2 में। प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई है सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 68, क्लोज नंबर 68, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी डिफाइन की सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 68 कंपनी एक्ट की जितनी भी डेफिनेशन है सभी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है। तो आगे जो मुद्दा है वो किसका है, क्लॉज का। प्राइवेट कंपनी डिफाइन की सेक्शन 2 क्लॉज 68। हमें इसको सेक्शन को लर्न करने की टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 किस तरीके से याद कर सकते हैं, 6 और 8, थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी, 6 और 8 बोले तो छटनी, 6 + 8 = छटनी। अरे छटनी नहीं बेटा, छटनी, छटनी का मीन्स होता है छाटना, छाटने का मीन्स होता है कम करना। इट मीन्स कम वाली जो कंपनी होती है वो कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, सेक्शन 2 क्लॉज, आवाज नहीं आई, सेक्शन 2 क्लॉज कैसे याद करने, 6 + 8 बोले तो छटनी, बोले तो कम, बोले तो प्राइवेट कंपनी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन बेटा जी, प्राइवेट कंपनी पढ़ने से पहले इसके इतिहास में हम चले जाते हैं। इसके इतिहास में मैम, इतिहास में क्या मतलब, हिस्ट्री, प्राइवेट कंपनी की हिस्ट्री हमें थोड़ी जाननी होगी और प्राइवेट कंपनी की हिस्ट्री हमें समझनी होगी। आज जो एक्ट आप पढ़ रहे हो वो एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। कौन सा एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013। क्या इससे पहले भी कोई एक्ट था, इससे पहले भी हमारे यहाँ पे एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था कंपनी एक्ट 1956। कौन सा एक्ट था, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करेंगे, उससे कुछ चीजें सीखेंगे, उसमें कुछ डेप्थ में जाएंगे और फिर नई डेफिनेशन जो अभी हम पढ़ते हैं, हालांकि हमें लगभग 4 साल हो गए इसे आए हुए एक्ट को, 4 से 5 साल होने जा रहे हैं, फिर भी हमारी आदत है हम इसे नया कंपनी एक्ट बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पुराने एक्ट की ओर ले जाती हूँ, पुराने फेस में हम जाते हैं और वहां पे समझते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है वो कहाँ डिफाइन की थी और किस तरीके से डिफाइन की थी, जानना चाहोगे। अच्छा, फीस तो आपने नए एक्ट की दी है तो व्हाट अबाउट पुराना एक्ट, चलो कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें पुराने एक्ट की, तो पुराने एक्ट में ये सेक्शन 3 में डिफाइन थी। मैम सेक्शन 2 में क्यों डिफाइन नहीं थी, अगर हम पुराने एक्ट की बात करें तो पुराने एक्ट में जो डेफिनेशन इसकी दी थी, बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज 35 किसमें दी थी, सेक्शन 2 क्लॉज 35। सेक्शन 2 क्लॉज 35 में जब मैं गई या हम जाते थे तो उसमें लिखा था मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। है मैम ये क्या चक्कर हुआ, सुनो ध्यान से, सेक्शन 2 क्लॉज 35 को डिफाइन करी क्या प्राइवेट कंपनी, हमने कहा बताओ क्या है, उन्होंने कहा एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, तो फाइनली यही कह देते सीधे सेक्शन 3 में चले जाओ। तो सेक्शन 3 में जब गए तो वहां पे देखा 4 conditions हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कितनी conditions हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो यहाँ पे मात्र 3 conditions हैं, कितनी कंडीशन है, 3 conditions। जानना चाहोगे कौन कौन सी कंडीशन थी, पहले थी और फिर है, पहले थी और फिर है। अगर पुराने कंपनी एक्ट 1956 की डेफिनेशन की हम बात करें तो वहां पे 4 conditions क्या थी, पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, दूसरी कंडीशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 50, कितनी 50। तीसरी कंडीशन उसमें थी प्रोहिबिशन ऑन इशू एंड सब्सक्राइब ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम पब्लिक, शेयर्स एंड डिबेंचर्स फ्रॉम, और चौथी बात उसमें लिखी थी प्रोहिबिशन ऑन इशूइंग एंड इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट मेंबर्स डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स। तो डिपॉजिट का भी जिक्र वहां पे हुआ था, कहां पे, पुराने कंपनी एक्ट 1956 में। लेकिन अगर आप आज की डेफिनेशन को एनालिसिस करें तो आज की डेफिनेशन में सिर्फ 3 conditions हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज, लेकिन पुराने एक्ट में थी 50। इट मींस अगर हम अब कंपेयर करें तो इस एक्ट में लिमिट को बढ़ाया गया, मतलब मेंबर्स की लिमिट इन्होंने इंक्रीज करी। तीसरी और आखिरी कंडीशन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई है वो है
Prohibition on issuing of securities to public. Prohibition of issuing and subscribing and inviting of securities to public. बेटा समझने वाली बात ये है, बारीकी की बात इसमें समझने की ये है कि जब हम पुराने एक्ट को अगर देखते हैं, मैंने इसीलिए रेफरेंस दिया चीजों को समझने के लिए, तो वहां पे शेयर और डिबेंचर का जिक्र हुआ और उन्होंने शेयर और डिबेंचर की बात करी, लेकिन न्यू एक्ट में एक वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज। क्या वर्ड यूज किया? लेकिन बेटा हमें जानना होगा कि सिक्योरिटी शब्द का मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है। तो सिक्योरिटी वर्ड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी एक्ट में डेफिनेशन दी है, लेकिन उन्होंने बोला एज डिफाइन इन सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। आप वहां पे जाके देख लो सिक्योरिटी का मतलब क्या है। क्लियर हो रही है बात? तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी की डेफिनेशन का, तो वो कहां मिलती है हमें? सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। मैं आपको वो डेफिनेशन आज दिखाऊंगी क्लास में ही कि वो क्या डेफिनेशन है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो बड़ी डेफिनेशन है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? बड़ी डेफिनेशन। किस तरीके से बड़ी डेफिनेशन? उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में शेयर्स भी कवर है, डिबेंचर्स भी कवर है और बॉन्ड्स भी कवर है। उसी के साथ कोई यूनिट्स अगर इशू करती है, कोई म्यूचुअल फंड या सीआईएस, वो भी कवर है। तो सिक्योरिटी शब्द यूज क्यों किया? क्योंकि उन्होंने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सभी को वहां पे कैप्चर किया। बात समझ रहे हो? इट मीन सिक्योरिटी वर्ड लिख के, लिखने के जो मीनिंग था, लिखने की जो इंटेंशन थी लॉ मेकर की, वो थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के स्कोप को बढ़ाने की और प्राइवेट कंपनी पे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लगाने की। समझ आई बात? अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट कौन सा था? फोर्थ पॉइंट था हमारा प्रोहिबिशन ऑन इशू एंड सब्सक्राइब डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। किस केस में? प्राइवेट कंपनी में। तो क्या मैम अब अगर हम आज की बात करें न्यू कंपनी एक्ट 2013, तो क्या प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है? तो इन्होंने क्या किया, जो डिपॉजिट के प्रोविजन थे वो डेफिनेशन से निकाल लिए और उसके लिए एक अलग सी सेक्शन है, सेक्शन 73 से लेके 76। तो डिपॉजिट के जो प्रोविजन है वो कहां पे हमें पढ़ने? सेक्शन 73 से लेके 76। तो डिपॉजिट के प्रोविजन उठा के वहां पे डाल दिए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करें तो हमें एक बात नजर आई कि एक तो मेंबर्स की लिमिट इंक्रीज कर दी। पहले कितनी थी? 50। अब कितनी कर दी है? 200। दूसरी बात हमें नजर आई कि शेयर डिबेंचर को हटा के इन्होंने वर्ड यूज किया सिक्योरिटीज। तीसरी बात हमें इसमें नजर आई कि जो डिपॉजिट के प्रोविजन थे उसको उन्होंने अलग से सेक्शन में डाला, जो कि हमें स्टडी करना है डिपॉजिट के चैप्टर में, सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलिए अब हम फिर से कुछ बातें लिखते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। As per Section 2, Clause 68 of the Company Act, private company means a company having a minimum paid up share capital, minimum paid up share capital as may be prescribed as may be prescribed and
which by its articles first point restricts the right to transfer of its shares. Right to transfer its shares. Restrict the right to transfer its shares. थोड़ा स्पेस छोड़ देना, स्पेस फॉर एनालिसिस. पहला पॉइंट, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स. ठीक है जी. दूसरा इसमें बात करी लिमिट ऑफ इट्स मेंबर्स. Members is 200. Maximum limit आप कह सकते हो. Maximum limit of its member is 200. बेटा इसके नीचे तो ज्यादा स्पेस छोड़ देना. इसमें तो हमें कई सारी बातें देखनी है. और तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक to subscribe for any securities of company. Any securities of the Securities of the company. इसके बाद भी आपको काफी स्पेस छोड़ना है. बेटा ऑफिस में चले जाने से लेके चलो. अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. तीनों पॉइंट्स सभी बच्चों ने लिख लिए, पक्का पक्का लिख लिए. चलो कमर कस लो अब आप अपने. फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. एज मे बी, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंपनी एक्ट के अंदर कहीं भी अगर शब्द यूज होगा प्रिस्क्राइब, इट मींस आपको रेफरेंस कहां से लेना है, रूल से. अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में ये मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जीरो. मतलब गवर्नमेंट ने किसी तरीके की कोई अमाउंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी. लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले कभी पढ़ाओ कि 1 लाख मिनिमम होती थी हमारी
प्राइवेट कंपनी के लिए और 5 लाख होती थी हमारी किसी पब्लिक कंपनी के लिए। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हालांकि ये बहुत नई बात नहीं है, 2 साल पुरानी बात है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया। बेटा देखो, हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब ये अमाउंट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, आप किसी भी अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बेटा आप मुझे बताओ कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, उसे क्या अच्छा लगा कि उसने लिमिट ही हटा दी? क्यों किया, क्या किया मैंने बताया, पर ऐसा क्यों किया, क्या कारण थे? यस, अगर हम इसका थोड़ा सा रेफरेंस ले तो आप सभी बच्चों को जानना होगा कि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 एक एक्ट आया था जिसके तहत कंपनी एक्ट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आई थी, और उनमें से एक अमेंडमेंट ये भी थी कि उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिलीट कर दी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, या कोई सी भी कंपनी हो, आप कितने भी पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हो रही बात? क्यों कर सकते हो, क्यों का कारण भी समझो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो सभी देश की रैंकिंग करता है, और रैंकिंग जो होती है, रैंकिंग के बेसिस पे जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अट्रैक्ट होता है। हमारे देश की रैंकिंग, हमारे देश की जो इमेज थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, रैंकिंग बहुत डाउन थी। तो उस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपने देश के अंदर कॉर्पोरेट लॉस के अंदर चेंजेस करने की आवश्यकता थी। सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ की मैं बात नहीं कर रही, उसी के साथ अदर एक्ट जो कंपनी को चलाते हैं, बिकॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। यस और नो? If anybody is interested to business, to do business in a company form or in any other form, then there are lot of compliances. Jago Bharat Jago. There are lot of compliances which are required to be followed on the part of that particular person. तो वो business तो भूल जाता था, वो compliances में ही लग जाता था। तो हमारे government की, हमारे देश की government की ऐसे intention है कि आप business करो easy form में, जिसको इजी करने के लिए गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है, और प्रयास अथक है, यहां तक कि अभी रुके नहीं है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ो। तो अभी तक भी हमारे क्या है, प्रयास निरंतर अभ्यास चल रहा है। और कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 में उन्होंने देखा ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स पे हमें काम करना चाहिए। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एक ही दिन में कंपनी बनके तैयार हो जाती है। ये भी एक पॉइंट था कि अगर आप कैपिटल की एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है, तो इट्स बेटर कि आप इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ड्यू टू दिस, ड्यू टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी सरकार ने इस लिमिट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, अबोलिश कर दिया। बात समझ में आई? तो ये जो लिमिट हटी थी, ये हटी थी हमारी कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015। उसके बाद अगर आप देखो, अभी एक नया एक्ट आया, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसी बीच में आपने देखा होगा जीएसटी आया, जीएसटी के साथ साथ आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट के साथ साथ स्टैंप एक्ट, उसी के साथ अन्य लोग जिनके थ्रू कंपनी बनाई जाती है, बिजनेस किया जाता है, सभी को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, सभी के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, सबका एक ही मात्र उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं हम जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, आप लोग स्टूडेंट हो, मैं प्रोफेशनल हूं, उनका हमें लॉजिकल एक एनालिसिस होना चाहिए कि ये काम क्यों हो रहा है। तो अगर आपके सामने अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट अबोलिश इसलिए की गई, हम अचीव करना चाहते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और किसी तरीके का इसको ये नहीं बोलेंगे आपको बिजनेस करना है कि कम से कम तेरे पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, तेरे पास 1 रुपया भी है, यू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। क्लियर, ऑल क्लियर? नाउ एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स,
आर्टिकल्स क्या लिमिट वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। पिता बच्चों देखो ध्यान से सुनना, दो शब्द होते हैं, एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन और दूसरा वर्ड होता है रेस्ट्रिक्शन। क्या क्या होता है? वन इज अ प्रोहिबिशन एंड सेकेंड वन इज अ रेस्ट्रिक्शन। देर आर टू वर्ड्स, वन इज अ प्रोहिबिशन एंड सेकेंड वन इज अ रेस्ट्रिक्शन। लो के अंदर जब भी शब्द यूज किया जाता है प्रोहिबिशन, इट मीन्स इट इज कंप्लीटली बैन, इट इज कंप्लीटली बैन। आप उस काम को चाहकर भी कर ही नहीं सकते। लॉ में अगर वर्ड यूज होता है रेस्ट्रिक्शन, इट मींस आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आप उस काम को कर तो सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। आप जब कभी बच्चे, सब बच्चे मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो वहां लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड, और कई गेट होते हैं उनके बाहर लिखा रहता है, बेटा मेरी सुनो मेरी सुनो, एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा रहता है? इट मींस वो जो गेट होते हैं जिसके अंदर कोई किसी का स्टोर कीपिंग का गेट है या कोई भी गेट है, तो उस गेट में अंदर जाने के लिए, उस गेट में अंदर जाने के लिए कहीं ना कहीं कंडीशन स्पेसिफाइड है। कंडीशन क्या है? स्पेसिफाइड है कि आप डीएमआरसी का स्टाफ होने चाहिए या ऑफिसर होने चाहिए। मैम हम भी उस स्टोर में जाना चाहते हो तो आपको झाड़ू पोछे वाला बनना पड़ेगा। इट मींस दैट इज यू आर, यू बिकम एम्प्लॉई, नॉट ओनली झाड़ू पोछे वाला बट कोई भी, आपको उसकी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो उस स्टोर में एंट्री कर सकते हैं। वो बात अलग है, जहां लिखा रहता है यहाँ जाना मन है वहां जाने का ज्यादा मन करता है। लेकिन अगर हम जाती है उसका मतलब आप, तो अगर हम दूसरी बात करें प्रोहिबिशन, इट मींस जहां वर्ड यूज किया प्रोहिबिशन, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। क्या डीएमआरसी का स्टाफ स्पिट कर सकता है? क्या आम आदमी स्पिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या कुछ कंडीशन पूरी करके थूक सकते हैं? डीएमआरसी से वालों से पूछ ले कि भाई कुछ कंडीशन पूरी कर देंगे, थूक ले क्या? आपको पता चल जाएगा। इट मींस वहां पे वर्ड क्या यूज किया? प्रोहिबिटेड, कंप्लीटली बैन। आप चाहो भी मुंह में कुछ हो भी तो भी चाह के थूक नहीं सकते, और थूक दिया तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर आप इनमें शब्दों की शब्द शब्द करे सब कोई शब्द के मोल ना भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव, तो ये जो वर्ड है रेस्ट्रिक्ट और एक जगह वर्ड यूज किया इसी डेफिनेशन के अंदर प्रोहिबिटेड, दोनों की कल्पना देखो कैसी है। इसने कहा रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, इट मींस हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये प्रोहिबिट भी तो लिख सकते थे। लॉ मेकर को ऐसा क्या हुआ कि उसने रेस्ट्रिक्शन वर्ड यहाँ पे यूज किया? ऐसे क्या कारण है? क्या लिखा है वो हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने कहा भैया लॉ में लिखा है रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर इट शेयर्स, पर ये क्यों लिखा, इसके पीछे की क्या कारण रहे, वो हमें जानना अति आवश्यक है। कोई बच्चा बता सकता है क्यों लिखा? यस बेटा, ओके ओके बेटा, यस यू, यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली आप एक बात बताइए, कंपनी की फीचर क्या है? सेट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। और भैया जब कंपनी की फीचर प्राइवेट कंपनी की फीचर कंपनी की ही नहीं रहेंगी तो वो प्राइवेट कंपनी किस बात की? वो कंपनी का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रही तो प्राइवेट कंपनी किस बात की? इट मींस एक बात और समझो, लॉ मेकर अगर यहाँ पे शब्द यूज करता प्रोहिबिशन, क्या यूज करता, तो इसका मतलब एक बात साफ हो जाती कि प्राइवेट कंपनी चाह कर भी अपने शेयर ट्रांसफर, इट मींस कंप्लीटली बैन, कंप्लीटली बैन। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे एक बात साफ निकल के आई है बिल्कुल सामने कि प्राइवेट कंपनी के अंदर भी शेयर होते हैं और प्राइवेट कंपनी के अंदर भी शेयर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर, यही बात निकल के आई। चलिए, आप मेरी बात से सहमत हो? चलिए आगे की अगर हम बात करें, आगे की क्या हम पीछे की अगर बात करें,
रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, इन्होंने यहाँ पे बात करी कि शेयर के ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन है, पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत पड़ी ने रेस्ट्रिक्शन लगाने की, क्यों इन्होंने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट किया है, क्या लॉजिक है, क्या उद्देश्य है। बिल्कुल, एक तो ये कारण है क्योंकि देखो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है मेंबर्स की वो 200 है और हम इस लिमिट को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमने कहा भैया कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफर मैम, किस तरीके की कंडीशंस हैं या किस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, थोड़ा आप उनके बारे में यहाँ पे व्याख्या करो। तो देखो बेटा, अगर हम कंडीशंस की बात करें किस तरीके की कंडीशन लग सकती है, तो वो हो सकता है प्रीएम्प्टिव राइट। क्या हो सकता है, नोट कर लो अपने यहाँ पे कहीं पे भी, प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट। अगर हम बात करें प्रीएम्प्टिव राइट की, तो प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात किसकी करें प्रीएम्प्टिव राइट, तो ये प्रीएम्प्टिव राइट का मीनिंग क्या है बेटा, प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि इस कंपनी का अगर कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करेगा, तो उससे पहले आपको एग्जिस्टिंग मेंबर से पूछना पड़ेगा शेयर का क्या प्राइस होगा, वो मेंशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन होगा या ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू होगा। अगर वो मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करते, तभी आप किसी आउटसाइडर को अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर या ऑल क्लियर? इट मींस अगर हम देखें तो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन जो यहाँ पे लगाया है, बेसिकली कंट्रोल टू द कंपनी ओवर ट्रांसफरेबिलिटी। रेस्ट्रिक्शन का जो लॉजिक है, अगर हम इस लॉजिक को समझे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कह सकती हूँ विच गिव कंट्रोल, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल टू द कंपनी, कंट्रोल टू द कंपनी ओवर ट्रांसफरेबिलिटी, ओवर ट्रांसफरेबिलिटी, 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 शेयर्स के ट्रांसफर करने पे कंट्रोल किया है इस कंडीशन से। ये बात हमारे सामने है कि हमारे मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, 200 हैं। देखो बेटा, अगली बात अगर हम समझे, आपको पता होगा राइट शेयर्स होते हैं, होते नहीं होते, और राइट शेयर्स में राइट दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ये बात भी तय है, दिया जाता है। वो मेंबर चाहे तो अपना राइट फर्दर किसी अदर पर्सन के नाम पे रीअनाउंस कर सकता है, ये बात कितनी बच्चे जानते हैं, नहीं समझ में आई बेटा, राइट शेयर का मतलब जानते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और वो चाहे तो अपना राइट क्या कर सकता है, रीअनाउंस कर सकता है, क्या कर सकता है बताओ, प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, वो फ्रीली रीअनाउंस कर पाएगा या उस पे भी कंडीशन होगी, यस ऑफ कोर्स, प्राइवेट कंपनी में भी अगर वो रीअनाउंसमेंट भी करना चाहता है तो उसके ऊपर भी क्या लगा रखी है, कंडीशन लगा रखी है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्योंकि रीअनाउंस अगर किसी और के नाम करेगा तो क्या नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज होंगे, नहीं होंगे, और हमें तो भैया 200 की लिमिट चेक करनी है, तो बेसिकली ये पावर बोर्ड के पास ही दे रखी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 44 ये कहता है कि शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन मैनर इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, किस मैनर में होंगे, वो मैनर कहाँ होगी, पर अगर आर्टिकल साइलेंट है और कुछ मुद्दा नहीं लिखा, कोई पॉइंट नहीं लिखा रेस्ट्रिक्शन पे, तो क्या फिर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बोनाफाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर आर्टिकल्स में कुछ इस बारे में रेस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई तो ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बोनाफाइड ट्रांसफर होना चाहिए। क्लियर ऑल क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है, क्या रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड प्रोहिबिशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड प्रोहिबिशन है, नेवर, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन ही है, कहीं पे स्ट्रिंजेंट बना दिया कंडीशन को और कहीं लिबरल, लेकिन है रेस्ट्रिक्शन ही,
कंप्लीटली बैन आप उसे नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ये रेस्ट्रिक्शन नॉट इंक्लूड प्रोहिबिशन। आप ट्रांसफर करने के ऊपर प्रोविजन स्ट्रिंजेंट तो बना सकते हो लेकिन कंप्लीटली मना नहीं कर सकते। क्लियर ऑल क्लियर? ओके। अगर हम अगली बात देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आए, यहां पे एक डेफिनेशन है सिक्योरिटीज की। ये डेफिनेशन आपके सामने रखी है सिक्योरिटीज की। देखो बेटा, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स। हेलो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा, समझो बस। शेयर्स, स्क्रिप्ट सब कुछ है आपकी बुक में, चिंता वाली बात नहीं, सब कुछ मिलेगा। शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट। डेरिवेटिव है, यूनिट्स है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें हैं फिर तो इसमें। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अदर इंस्ट्रूमेंट एज वी बी डिक्लेयर्ड राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी। पर हम इस मुद्दे पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने कहा अगर हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो जरा पन्ना खुल गया। Prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. बेटा यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ securities। क्या वर्ड यूज किया? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये जो वर्ड यहाँ पे securities है, ये सेक्शन 2 क्लोज H के हिसाब से, सेक्शन 2 क्लोज H इज डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में दे रखा है। तो क्या ये वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली जो सिक्योरिटी है प्राइवेट कंपनी की, वो इस डेफिनेशन में कवर होनी चाहिए? क्योंकि अगर इस डेफिनेशन में कवर करते हैं तो इट मींस वो लिक्विड है विच इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और उसकी ट्रेडिंग फ्रीली होती है। नहीं समझ में आई मेरी बात? मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर इस डेफिनेशन में कवर होती है तो इट मींस शेयर्स आर लिक्विड एंड दे कैन इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू एंड दे कैन इजीली ट्रेड। अब बताओ क्या ये प्राइवेट कंपनी की जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज एच में कवर कर देनी चाहिए? इस पे डिसाइडेड केस है। एज पर द डिसाइडेड केस अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सिक्योरिटीज है शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्या शेयर्स जो है प्राइवेट कंपनी के वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है? कौन कहता है यस मैम? मार्केटेबल सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती बिकॉज इट इज नॉट इजिली ट्रांसफरेबल। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर कर भी दिए तो रजिस्टर में नाम मेंबर का आएगा नहीं आएगा तय करेगी कंपनी, ना कि आप। अब बताइए मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखूं मैं? लो मैं क्वेश्चन लिख देती हूं। इज शेयर्स, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर मार्केटेबल सिक्योरिटी? शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर मार्केटेबल सिक्योरिटी? क्या प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केटेबल सिक्योरिटी होते हैं आपके हिसाब से? किस बेसिस पे आप कहते हो नो या यस? मेरे हिसाब से आंसर है नो। बिल्कुल मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं हो सकते, कारण बहुत साफ है, दैट इज नॉट सोल्ड इजिली इन मार्केट, नॉट सोल्ड इजिली इन मार्केट। आप उन्हें इजिली मार्केट में सेल नहीं कर सकते। नंबर टू, परचेजर ऑफ शेयर्स आर नॉट गारंटेड, परचेजर ऑफ शेयर्स आर नॉट गारंटेड द
that their name is entered. That their name is entered in the register of member. ROM का मतलब क्या होता है? Room, register of member. Register of member. देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम फिर दोबारा से इसे सामने रखें, तो यहाँ तो of any incorporated company की बात करी. And private companies incorporated under Company Act 2013 or पुराने वाला एक्ट, तो it means incorporated तो है, notwithstanding in section 2 clause H. The word is used incorporated company, but notwithstanding in section 2 clause H. आप private company के shares को marketable security नहीं बोल सकते. Clear y'all? Clear? क्योंकि आपका नाम purchaser को खुद ही नहीं पता. गारंटी नहीं है उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा या नहीं आएगा. एंड दैट इज नॉट सोल्ड इजिली इन मार्केट. आप उन्हें मार्केट में इजिली सोल्ड नहीं कर सकते. रीजन वही है कि मेंबरशिप कितनी रखनी है? मैक्सिमम 200. क्लियर या ऑल क्लियर? अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है. जिससे क्वेश्चन पूछो आंसर वही देगा. इसने वर्ड यूज किया प्रोहिबिट्स. प्रोहिबिट्स मतलब कंप्लीटली बैन. Prohibits का meaning क्या हुआ? Completely ban. Any invitation to the public to subscribe for any securities. It means सभी कुछ यहाँ पे cover किए इन्होंने. Share, debenture, bonds, etc. of the company. Company चाहकर भी invitation नहीं दे सकती. Company चाहकर भी invitation किस चीज का? Securities को invite करने का. किस चीज को invite करने का? Securities का. बेटा बच्चे मेरा question ये है. एक बात बताओ, जब इसने प्रोहिबिशन लिखी दिया कि इशूइंग एंड इनवाइटिंग सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, तो फिर रेस्ट्रिक्शन की बात कहां से आई? जब शेयर्स ही नहीं होंगे, डिबेंचर्स ही नहीं होंगे, तो ट्रांसफर की बात कहां से आ गई? एक एक करके जैसे क्वेश्चन पूछू भाई. बेटा कंट्रोल, कंट्रोल योर इमोशंस. मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने लास्ट कंडीशन में लिखा प्रोहिबिशन ऑन इशूइंग एंड सब्सक्राइबिंग इनवाइटिंग सिक्योरिटीज टू द पब्लिक ऑफ अ कंपनी. पब्लिक से वो सिक्योरिटीज सब्सक्राइब नहीं कर सकती. ठीक है बेटा, आप मुझे बताइए तो इसने ये बात क्यों लिखी रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स. शेयर इशू नहीं कर सकते, शेयर के लिए इनवाइट नहीं कर सकते, तो भैया ये रेस्ट्रिक्शन किस बात की? है? और कौन बताना चाहेगा? बताओ बेटा, एक मिनट, आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा. क्या? यस ऑफ कोर्स, सिंपल. मैं फालतू में क्यों टाइम पास कर रही हो? बिल्कुल सही बात लिखी है यहाँ पे इन्होंने. वर्ड क्या यूज किया? एक बात बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी को जीने का अधिकार नहीं है? प्राइवेट कंपनी कहीं से फंड ही नहीं ले सकती? भैया ले सकती है, लेकिन इनविटेशन देके फंड रेज नहीं कर सकती. नहीं कर सकती, नहीं नहीं. पर आप बिना इनविटेशन के तो फंड रेज कर सकते हो ना? यस और नो? मेरा अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड यूज किया, क्या एक कंपनी के अंदर, क्या एक कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा, जिससे क्वेश्चन का आंसर पूछो वही देगा, क्या एक कंपनी के अंदर, क्या एक कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं? पीछे बेटा आप बताओ, सोच के कोने पे पीछे जो नजर आ रहे हैं, क्या 200 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. हाँ, प्राइवेट कंपनी की मैं बात कर रही हूँ. क्या डिबेंचर होल्डर के ऊपर किसी प्रकार की कोई लिमिट इन्होंने लगाई है? बिल्कुल सिंपल की सिंपल सी बात है. यहाँ पे जो लिमिट है वो किसके ऊपर है? डिबेंचर होल्डर के ऊपर. दिसंबर का क्वेश्चन था आपके यहाँ पे, दिसंबर 2017 जो अभी गया है उसमें यही क्वेश्चन पूछा था. और ये मैंने बार बार आपको बारंबार क्लास में बताया था कि डिबेंचर होल्डर के ऊपर मैक्सिमम लिमिट नहीं, मैक्सिमम लिमिट किसके ऊपर है? मेंबर्स के ऊपर. क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए अब देखिए इसमें फिर दोबारा से अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं,
लिमिट मैक्सिमम लिमिट ऑफ इट्स मेंबर इज 200 द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200 पॉइंट नंबर वन वाइल पॉइंट में मत लिखना कैलकुलेटिंग लिमिट फॉलोइंग पॉइंट्स Following points should be considered. Following points should be considered. Following points should be considered. बेटा बड़े ही ध्यान से समझना. पहला पॉइंट उन्होंने कहा जॉइंट शेयरहोल्डर Joint shareholder shall be counted as single member. Joint shareholder shall be counted as किस तरीके से मैम जरा करके दिखाना काउंटेड एज सिंगल मेंबर. इन्होंने कहा जब 200 की लिमिट आप चेक करोगे तो अगर दो लोगों ने मिलके एक शेयर होल्ड कर रखा है तो दो नाम ना लिख के एक लिखना है. किस तरीके से देखिए एनालिसिस करते हैं. सपोज करो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ शेयर्स. और हमने एक एग्जांपल लिया, मान के चलो राम प्लस सीता मिलके 100 शेयर होल्ड करते हैं. मिलके कितने शेयर होल्ड करते हैं? तो अब जो हम लिखेंगे सीरियल नंबर वन, राम के नाम भैया 50 शेयर हैं, लड़ाई हो जाएगी, और सीता के नाम अलग से 50 शेयर हैं, लेकिन दोनों ने जॉइंट ले रखा है. तो ये बताइए सीरियल नंबर देखे तो एक और दो हो गए, क्या ये गलत है? नहीं है. ऐसे करके 200 तक की होगी लिमिट. दिस इज रॉन्ग. करना क्या है, सीरियल नंबर है एक लिखेंगे, नेम ऑफ मेंबर जो होगा राम प्लस सीता जो भी है उसके नाम सामने 100 शेयर. तो इट मींस यहां पे हम कह सकते हैं कि जॉइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर. जब जब 200 की लिमिट काउंट करेंगे अगर किसी ने मिलके शेयर ले रखे हैं तो उनको एक ही मेंबर इस लिमिट के लिए ट्रीट किया जाएगा. दूसरी बात, पास्ट पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर shareholder shall be excluded, shall be excluded, shall be excluded. बड़े ध्यान से समझो, मैं एक एग्जाम्पल बना रही हूं. पहले केस ए, मान के चलो मिस्टर राम है और वो कंपनी में जॉब भी करते हैं. कंपनी में क्या करते हैं? और उन्होंने 100 शेयर ले लिए, 100 शेयर. तो बताओ क्या मिस्टर राम को 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा? पैप, 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 नहीं किया जाएगा. अभी यही तो बताया, क्योंकि ये क्या है, एम्प्लॉय. और जो एम्प्लॉय होगा, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? छोड़कर. जब आप इस 200 की लिमिट चेक करोगे तो इसमें आपको एम्प्लॉय भी है साथ में शेयर होल्डर भी है, तो उसको काउंट, उसको छोड़कर 200 की लिमिट चेक करनी है. बोलो मेरे साथ, पास्ट, आवाज नहीं आई जोर से बोलो, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉई कम शेयर होल्डर शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस 200 लिमिट. ठीक है,
अब देखिए राम है और राम ने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं 100 और साथ में नौकरी भी करता है तो इसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना, इसको 200 की लिमिट में काउंट। दिमाग के ब्लूटूथ तो होने ना सबके, ठीक है बेटा। मुझे ये बताओ इसने 2016 में नौकरी ज्वाइन करी और 2017 में इसने छोड़ दी, अब खाली ये शेयर होल्डर है, इसके पास सिर्फ 100 शेयर है, मैं इसको क्या बोलूंगी, मैं इसे क्या बोलूंगी, शेयर होल्डर। अब बताओ क्या इसको अब लिमिट में काउंट कर ले, अब तो ये एम्प्लॉय भी नहीं है। अरे कर ले, पास्ट वर्ड यूज किया, पास्ट का मतलब था या है, बोलो जल्दी से, था या है, था तो उसको भी काउंट नहीं करना, ठीक हो रही है बात। ओपीसी के केस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, एक कंडीशन ये है कि ओपीसी के केस में Except in OPC, the limit of member is 200. It means this limit is not applicable to OPC. उस पे तो मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं इसी पे आ जाती हूँ। लॉ मेकर ने ऐसा क्यों लिखा, क्या कारण थे इसके पीछे, क्या कारण थे कि उन्होंने एम्प्लॉय को चाहे वो पास्ट था या वो प्रेजेंट है उसको क्या कर दिया है, एक्सक्लूड। क्या कारण रहे होंगे कि उन्होंने एक्सक्लूड किया, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ सकते हो क्या रीजंस रहे होंगे। बेटा आप सभी बच्चे जानते हो किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर टॉप पे ले जाना है तो हमें अपने स्टाफ, हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देना होगा और उसको खुश रखना होगा। हम जो अपने एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं उसका ये उद्देश्य नहीं होता कि हमें उनसे फंड रेज करना है, उसका उद्देश्य कुछ और होता है, समझो, गहराई में जाओ, डेप्थ में जाओ कि किस वजह से एम्प्लॉय को शेयर दिए जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मेरा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, 6 बजे से पहले छुट्टी नहीं होगी, पूरा काम करके जाना नहीं तो सीधा साफ है। लेकिन मैं अगर बोलूं हमारा काम है ये और हमें ये अच्छे से करना है तो आप ज्यादा काम करोगे या पहले वाला ज्यादा काम करेगा, अब ज्यादा करेंगे ना। जब मैंने क्या बोला, ये हमारा काम है और हमें मिलके करना है और हमारा साथ और हमारा विकास होगा, तो बताइए अब ज्यादा प्रोग्रेस होगी या पहले ज्यादा प्रोग्रेस होगी, बस यही तो है। शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल ना भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे, तो इट मींस सिंपल सी बात आप समझो, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स एम्प्लॉय को शेयर दिए जा रहे हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, और शेयर होल्डर कौन होते हैं, हिस्सेदार। एम्प्लॉय को शेयर देने का उद्देश्य फंड रेज करना नहीं है, एम्प्लॉय को शेयर देने का उद्देश्य उसको रिटेन करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको ड्राइव, आगे ड्राइविंग फोर्स बनाना है, उसको खुश रखना है, उसको आनंद में रखना है, तो यही उद्देश्य होता है शेयर देने का। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनी की लिमिट में आ जाता तो बताइए क्या प्राइवेट कंपनी के हाथ कट जाते, नहीं कट जाते, कैसे बताओ ना, कैसे कटते, हाँ क्योंकि भैया देखो 200 की लिमिट है, या तो मैं पैसे इकट्ठे कर लूं या फिर एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर लूं, दो में से एक ही बात है, या तो मैं फंड रेज कर सकता हूं या एम्प्लॉयज को। इसी वजह से लॉ मेकर ने बड़े बारीकी से इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने कहा कि जब आप 200 की लिमिट काउंट करोगे तब आपको इन्हें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। बताओ जब 200 की लिमिट काउंट होगी तब ये क्या किए जाएंगे, एक्सक्लूड किए जाएंगे। कौन कौन, पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर, ठीक है आगे बढ़े। ये जो 200 की लिमिट है, ये 200 का जो प्रोविजन है, ये एक ओपीसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, भैया ओपीसी कंपनी है तो समझो है क्या, वन पर्सन कंपनी, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन उसके पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं। बाहर किसे रखा जाता है, जो अंदर होता है, एक्सेप्ट उसको छोड़कर। देखो क्या हुआ कि ये बच्चे जो बैठे आगे, इससे इनकी दुश्मनी है, इनके घर सबको काट दिया। क्या नाम है बेटा आपका, सानिया नेहवाल, ऐसे क्या नाम है, सानिया शर्मा, ओके। इन बच्ची ने इनसे इनकी दुश्मनी है, इनको काट दिया और बोला इन्हें छोड़ के घर के सारे फैमिली मेंबर आ जाए,
वो नहीं आनी चाहिए. एक्सेप्ट दिस विद द फैमिली, एक्सेप्ट नाम डाल दिया. आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे खुद बताओ, अगर इस बच्ची का नाम एक्सेप्ट में नहीं होता, ये फैमिली की पार्ट थी या नहीं थी? तो एक्सेप्ट किस वजह से लिखा कि उसको छोड़कर मैगी बनाए, दाल बनाए, कुछ भी बनाए, इसकी पार्टी कैंसिल. तो अब मुझे आप एक बात बताइए, इसका मतलब छोड़ा किसे जाता है जो ऑलरेडी ऑलरेडी कवर होता है? अब मैं क्या बोल रही हूँ, देखो अब लो की बात समझो. एक्सेप्ट ओपीसी द लिमिट ऑफ मेंबर इज 200. अब तुम बताओ ना, एक्सेप्ट ओपीसी द लिमिट ऑफ मेंबर इज, लॉ मेकर क्या कहना चाह रहा है? इट मीन्स हम कह सकते हैं ओपीसी भी एक प्राइवेट, अगर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लिखा जाता तो ओपीसी में भी मेंबर कितने हो सकते थे? लेकिन ओपीसी में एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा, इस वजह से यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, एक्सेप्ट ओपीसी. क्लियर ऑल क्लियर? इट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, सेकंड लिमिट की, द लिमिट ऑफ मेंबर इज 200. Whenever you are counting the limit of 200, तो आपको कुछ विशेष रूप से बातों का ध्यान रखना है. पहली बात उन्होंने बोली, joint shareholder shall be counted as. दूसरी बात, past plus present employee shall be excluded. We are not counting in this limit. और this provision is not applicable in case of OPC. ठीक है? आगे बढ़े. लास्ट में इन्होंने लिखा, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. डिबेंचर होल्डर्स से भी हम फंड रेज करते हैं, क्योंकि कंपनी को चलाने के, कंपनी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे इकट्ठे करने के, फंड इकट्ठे करने के दो ही रास्ते हैं, या तो ओनर्स फंड या बोरोड फंड. सिंपल सी बात है, तो घर वालों से पैसे इकट्ठे कर लो या बाहर वालों से. इन्होंने दोनों ही रास्ते बंद कर दिए, घर वालों से भी बंद कर दिया, बाहर वालों से भी. लेकिन वर्ड क्या यूज किया, पब्लिक. इट मींस प्राइवेट कंपनी के केस में भी शेयर होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, लेकिन इनविटेशन पब्लिक को. आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें पब्लिक का कंट्रोल होगा? ऐसी कंपनी में क्या पब्लिक का स्टेक होगा? क्या पब्लिक का पैसा होगा? नहीं होगा. तो क्या इस कंपनी को छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बताइए ना. क्या ये कंपनी सारे सेक्शंस फॉलो करे? इसी वजह से प्राइवेट कंपनी को बड़े सारे सेक्शंस की छूट दी जाती है. क्लियर हो रही है बात? लॉजिक समझ में है? प्राइवेट कंपनी को सेक्शंस की छूट क्यों दी जाती है? क्या जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी है? एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है तो. डेफिनेशन समझ में आई क्या थी? हाँ, एक बार लास्ट टाइम मैं बता रही हूँ पूरा, फिर आपसे पूछूंगी. पहली कंडीशन अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो किसी तरीके की पेड अप शेयर कैपिटल की आज की डेट में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद की लिमिट खत्म कर दी गई है, और आज की डेट में चाहे प्राइवेट या पब्लिक कोई भी कंपनी हो, आप कितने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसी के साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तीन कंडीशन है. पहली कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि शेयर जो है प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते, डिटेल में हमने डिस्कशन किया. दूसरी कंडीशन, लिमिट ऑफ इट्स, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200. एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं. जब 200 की लिमिट चेक करनी है, तो तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है. ये प्रोविजन ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता. अगर ज्वाइंट में शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो एक ट्रीट किया जाएगा, एक मेंबर ट्रीट किया जाएगा. तीसरी बात, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय शैल बी, 200 की लिमिट में पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय जिन्होंने शेयर ले रखे हैं, वो इस लिमिट में कवर नहीं होंगे. और लास्ट प्रोविजन, थर्ड प्रोविजन जो है, थर्ड कंडीशन है, वो है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. क्लियर ऑल क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करिए फटाफट. लास्ट टाइम, इन विच सेक्शन प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड? सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज. वेरी गुड. Is there any limit is prescribed minimum capital? Answer is no. How many conditions? How many conditions? Condition number one, restriction. Restriction on transfer of. Number two, is it completely banned? Restriction bole to prohibition. Subject to some. It may be preemptive. Right. Next, the limit of its member is. The maximum limit is. Past plus present employee cum shareholder shall be, joint shareholder shall be counted as, joint shareholder shall be counted as, joint shareholder shall be counted as. Very good. This limit is not applicable in case of, this limit is not applicable in case of
OPC. And the last condition, prohibition. What do you mean by prohibition completely? What do you mean by prohibition completely? What do you mean by prohibition completely? Prohibition on issue of issue and subscribing and inviting securities to the securities to the. Is securities a broader term? It is defined in section 2 clause. Section 2 clause of Security Contract Regulation Act 1950. Is private company shares are marketable? Is private company shares are marketable? Why? Because they are not easily transferred or easily sold. Why restriction limit is applicable? Because the maximum limit is 200. Okay. Now, last time revise fatafat sir within second. Private company is defined in section 2 clause. Private company is defined in section 2 clause. How many conditions? Condition number 1, restriction on transfer of shares. Condition number 2, limit of member is 200. Kitni conditions check karni hai? 3. Pehli, joint shareholder shall be counted as जोर से joint shareholder shall be counted as second one past plus present employee cum shareholder shall be past plus present employee cum shareholder shall be and third one this provision is not applicable in case of OPC and the last one prohibition on issue of securities to the public. What do you mean by securities? Security is a broader term. Is security is a broader term? Is it defined in section 2 clause H? Is it defined in section 2 clause of Security Contract Regulation Act? Is there any minimum limit of paid up share capital? Why no? Because due to the Company Amendment Act 2000, kis tarike se section 2 clause 68 yaad karna hai? Section 2 ke andar kya hai? Sari? Section 2 mein sari kya hai? Section 2 mein sari kya hai? 68 kaise yaad karna hai? 6 plus? 6 प्लस छठी बोले तो छठी बोले तो छाटना छाटना बोले तो कम कम बोले तो ठीक है चले थैंक यू.